शाहपुर पुलिस ने एक चैन स्नैचर को पकड़कर चैन स्नैचिंग के मामले का खुलासा किया है। शाहपुर थाने पर घटना का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 3-4 दिन पहले मानस विहार कॉलोनी में एक चैन स्नैचिंग हुई थी, जिसके तफ्तीश में प्रभारी निरीक्षक को लगाया गया था। शनिवार को फातिमा हॉस्पिटल के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक दिखाई दिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके पास से टूटी हुई पीली धातु की चेन मिली। पकड़े गए युवक की पहचान झंगहा थाना के लक्ष्मीपुर निवासी राजन कुमार चौहान पुत्र धनई चौहान के रूप में की गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, अब रचित वाला जो कांड खुला था, मैं आपको बताऊं, जो रचित ने 20 लाख की लूट की थी, सवाल लोग दे रही है वहाँ के घोटाले अगर मैं सर मुकदमा अपराध संख्या 123/18 थाना क्षेत्र शाहपुर में एक महिला की चेन लूटी गई थी। फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसी फुटेज के आधार पे थाना शाहपुर की पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर पादरी बाजार सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह लगे हुए, इसी दौरान इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और इसको पकड़ा गया। इसके पास से वो महिला की चेन भी बरामद हुई। ये झंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। धन कुमार चौहान की गिरफ्तारी हुई लुटेरा मूल, तो आप ये कह सकते हैं चैन स्नैचर है। कुछ दिन पहले इसने शाहपुर थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, इसमें भी रिकॉर्ड हुई और इसके पीछे लगे हुए थे लोग और 3-4 दिन बाद पकड़ा गया। लुटी चेन की बरामद हुई और भी दुर्घटनाएँ इसने की हैं, उसके बारे में अब गहनता से जाँच होगी। Thank you.